नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी टाटा हैरियर को करीब दो साल पहले 2019 में लॉन्च किया गया था। उस समय ये एसयूवी इंडियन मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। कारण था इसका कम पावर वाला इंजन, कम फीचर्स, गियर बॉक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन और 6 महीने बाद लॉन्च हुई एमजी हेक्टर। मेरे हिसाब से लास्ट वाला रीजन सबसे बड़ा था, क्योंकि हेक्टर को लॉन्चिंग के टाइम ही कई सारे ऐसे फीचर्स मिल गए थे जो उस प्राइस पॉइंट में पहली बार देखे गए थे। हालांकि 2020 में लॉन्च हुई हैरियर BS6 में ज्यादातर कमियों को दूर कर दिया गया और इसीलिए इसको अब काफी ज्यादा पसंद भी किया जाने लगा। लेकिन सच पूछिए तो हेक्टर और हैरियर का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हेक्टर बेकार है, हेक्टर अपने जगह बहुत अच्छी है, मगर उसकी जगह जो है वो हैरियर के बराबर नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिर्फ फीचर्स ही नहीं होता है। और ये चीज आपको आज का ये छोटा सा एक्सीडेंट भी देखकर समझ में आ जाएगा। राजस्थान से मिस्टर निरंजन पारीक जी ने मुझे मेल किया है और टाटा हैरियर और टोयोटा फॉर्च्यूनर के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक 35 लाख की बड़ी SUV है और टाटा हैरियर 20 लाख की छोटी SUV है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, बिल्ड क्वालिटी में टाटा की गाड़ियां अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती हैं। यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में नगर पालिका के सामने हुआ है, जिसका न्यूज एक चैनल पर भी पड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यूनर ने हैरियर को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी है। अब इसका रीजन क्या था ये तो नहीं पता। हो सकता है हैरियर के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया हो, या हो सकता है फॉर्च्यूनर का ड्राइवर तेज रफ्तार में अनकंट्रोल हो गया हो। नॉर्मली ऐसे एक्सीडेंट्स में यही दो चीजें होती हैं। फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा है, फॉर्च्यूनर से टक्कर लगने के बाद हैरियर का बूट, बम्पर और टेल लाइट डैमेज हो गया है। इसके अलावा पूरे SUV में कोई नुकसान नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखा जाए तो हैरियर में पीछे से जबरदस्त टक्कर मारने के बाद इसका राइट साइड वाला फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। SUV को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये किसी ट्रक में घुस गई हो। हालांकि दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, उनको कोई चोट नहीं आई। इस एक्सीडेंट को देखकर ये तो पता चल गया कि आप चाहे जितने भी महंगे और बड़े गाड़ी में बैठे हो, अगर सामने टाटा की गाड़ी है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना रिजल्ट ये हो सकता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।